करना मुश्किल है ना, करना पड़ेगा। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूं। तो शराफत, मैं तो गैर हूं, इनायत तो आपका अपना सगा भाई है, आपको उस पे भी एतबार नहीं है? अगर मेरा बाप भी होता ना तो मैं उस पे भी शक करता। ये रोजाना हजारों शौहर भरोसे की अनक लगाकर ना घूमते फिरते हैं और उनकी बीवियां उनकी आंखों में धूल झोंकती हैं, उनको पता भी नहीं चलता। कुछ तो खुदा का खौफ करें। उस खुदा का ही हुक्म है कि देवर भाभी के लिए ना महरम है। आप अपने भाई के लिए ऐसा सोचते? हाँ ऐसा ही सोचता हूं मैं। और मेरी सुन बात, अब अगर मैंने तुझे अनायत के साथ देखा ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझ गई? ये भाभी फौजिया के साथ कहाँ जा रही है? देखिए चंदा, कुछ टेस्ट रिपीट करवाने होंगे, इसके बाद ही कहा जा सकता है कि इनका ट्यूमर कितना फैल चुका हुआ है। और एक बात तो साफ है, इनके पास वक्त बहुत कम है। और डॉक्टर साहब, टेस्ट कितने के होंगे? महंगे टेस्ट हैं, लिख देता हूँ। आप टेस्ट करवा के रिपोर्ट्स मेरे पास लिखिए। डॉक्टर साहब, मेरे मियाँ के पास इतने पैसे नहीं हैं। जी हाँ, समझ गया, आप ये टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। जी जी हाँ, कोई बात नहीं। अब ये टेस्ट फ्री हो जाएंगे। फ्री कैसे? अभी तो आप कह रहे थे कि ये बहुत महंगे टेस्ट हैं। मैंने आपको ज़कात फंड के लिए रिकमेंड कर दिया। और थैंक यू डॉक्टर साहब, चलें चंदा। फौसिया, मैं ज़कात के पैसों से इलाज नहीं करवाऊंगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या हर्ज है इसमें? भाई ज़कात खैरात पे तो गरीबों का हक होता है। तो तुम कौन सा अमीरजादी हो? और वैसे भी शराफत भाई बेरोजगार हैं। जो भी हो, मैं इन पैसों से कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी। ऐसे पैसों पर गरीब मुसलमानों का हक होता है, और चंदा तुम और मैं गरीब ही तो है। चुप रहना, इनायत की कॉल है। हेलो जी इनायत, कैसे कॉल की? फौजिया जरा चंदा भाभी से बात करा। चंदा? चंदा तो अपने घर में होगी। अच्छा, और तुम कहाँ हो? मैं अपने घर में हूँ। अपने घर कब आई? वो तुम्हारे जाते ही मैं अपने घर आ गई थी। मगर बात क्या है, तुम इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर बात होगी। ओके, लापस। क्या कह रहा था? ऐसा लग रहा था इंक्वायरी कर रहा हूँ। क्या मतलब?
मतलब कि पूछा था चंदा कहाँ है, तुम घर कब आई? नानी घबराने वाली कोई बात नहीं, आशिक है तुम्हारी आवाज सुनना चाह रहा होगा। जल्दी करो शराफत आ जाएंगे, चलो चलो। हाँ, चलो। फौजिया ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या राज है इसमें? डॉक्टर से जाके पूछता, बल्कि नहीं इनका पीछा करके देखता हूं कहां जाती है। एक बात पूछूं भाभी? एक नहीं 100 पूछो। सच बताएंगी? तुम मेरे देवर ही नहीं, मेरे भाई, मेरे दोस्त हो, तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? आज मेरे घर से निकलने के बाद आप और फाजिया हॉस्पिटल गई थी। सच बोलिएगा, आपने वादा किया? हाँ गई थी। क्यों गई थी? ये बात तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन मैं पूछ के रहूंगा, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि फौजिया ने मुझसे झूठ बोला? मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत का लिहाज तक नहीं किया। आखिर ऐसी क्या बात है? मैंने आप दोनों को खुद देखा था हॉस्पिटल में। हेलो इनायत, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुमसे दूर कैसी हो सकती हूँ? फौजिया तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या वाकई? मजाक मत करो फौजिया, तुम्हें बताना होगा कि तुमने मुझसे उस वक्त झूठ क्यों बोला कि तुम अपने घर पर हो, जबकि उस वक्त तुम हॉस्पिटल में थी चंदा भाभी के साथ। इनायत कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? एतबार है, मैं तुम्हारी बात मान लेता अगर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से चंदा भाभी के साथ हॉस्पिटल में ना देखा होता। मैंने जब तुम्हें कॉल की थी तो मैं उस वक्त हॉस्पिटल में ही था और तुमसे कुछ फासले पर खड़ा था। तुम ठीक कहते हो, मैं और चंदा हॉस्पिटल गए थे। सच बोला है तो अब ये भी बता दूं कि क्यों गए थे? ऐसी कौन सी बात है जो तुमने मुझसे झूठ बोली? इनायत मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती। देखो फौजिया, अगर तुम पूरी बात नहीं बताओगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जो लड़की शादी से पहले मुझसे इतना कुछ छुपा रही है वो शादी के बाद क्या करेगी? मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ, सोच लो क्या करना है। अम्मा आ गई हैं, बाद में बात करूंगी।